हेलो फ्रेंड्स, आज हम इश्यूज़ इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक नया चैप्टर डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS करने जा रहे हैं। पहले हम ये जानते हैं कि डिस्क्लोज़र्स होते क्या हैं। डिस्क्लोज़र किसी कंपनी के द्वारा रिलीज़ की जाने वाली वो पूरी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है जो किसी पर्सन के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस या अफेक्ट कर सकती है। किसी कंपनी के द्वारा किया गया अकाउंटिंग डिस्क्लोज़र एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें किसी कंपनी के द्वारा एक सर्टेन पीरियड में प्रिपेयर की गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किन स्ट्रेटजीज से प्रिपेयर किया गया है वो यह बताती हैं। इस डिस्क्लोज़र का मेन पर्पस यह होता है कि जो भी करंट और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको यूज़ किए गए मेथड्स और अकाउंटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताया जा सके। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और इनकम स्टेटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स इक्विटी इंक्लूड होती हैं, बट ये सिर्फ यहीं तक ही लिमिटेड नहीं है। ISB के 16 IFRS स्टैंडर्ड्स हैं। हर स्टैंडर्ड की अपनी डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स हैं, इसलिए हर कंपनी के लिए इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना और रिक्वायर्ड डिस्क्लोज़र्स करना मैंडेटरी या कंपलसरी है। हम इन स्टैंडर्ड्स में से सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड्स ही करेंगे, जिनका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल सकता है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट IFRS है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ओवरव्यू एंड ऑब्जेक्टिव। जब कोई कंपनी पहली बार IFRS स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करती है ताकि वो उसकी जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सके, तो उस समय IFRS 1 को फॉलो किया जाता है। इस IFRS का मेन ऑब्जेक्टिव यह इंश्योर करना है कि जो एंटिटी की फर्स्ट IFRS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड हो जो कि उसके यूज़र्स के लिए ट्रांसपेरेंट हो और वो कंपेरेबल भी हो। बी पॉइंट, और ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉस्ट यूज़र्स को होने वाले बेनिफिट्स से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। नाउ डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स। IAS 1 को कंप्लाई करने के लिए फर्स्ट IFRS में एटलीस्ट 3 स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, 2 स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड OCI, 2 स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इफ प्रेजेंटेड, 2 स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लोस और 2 स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड रिलेटेड नोट्स इंक्लूड किए जाने चाहिए। अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हिस्टोरिकल समरीज या कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अंडर प्रीवियस GAAP यानी कि जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कोई पुरानी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है तो ऐसी गैप इंफॉर्मेशन को प्रीडोमिनेंटली लेबल किया जाना चाहिए जिसे IFRS के अंडर प्रिपेयर नहीं किया गया और IFRS के लिए ज़रूरी एडजस्टमेंट्स का डिस्क्लोज़र किया जाना चाहिए और ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नेचर का डिस्क्लोज़र भी किया जाना चाहिए। IFRS में यह डिस्क्लोज़र भी किया जाना चाहिए कि किस तरह IFRS के हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने से ये किस तरह IFRS की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना गैप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने से डिफरेंट है और उससे एंटिटी की रिपोर्टेड फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या अफेक्ट पड़ा और उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लोस पे क्या इफेक्ट पड़ा इन डिस्क्लोज़र में इंक्लूड हो सकते हैं। IFRS को फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करने में जिन मटेरियल एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ी उनको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। IFRS को फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करते समय स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस में की गई मटेरियल एडजस्टमेंट्स की एक्सप्लेनेशन दी जानी चाहिए।
अगर IFRS को अडॉप्ट करते समय कोई भी ऐसी एरर्स पाई जाती हैं जो कि प्रीवियस गैप की वजह से हुई हों, तो उन्हें भी डिस्क्लोज़ किया जाना ज़रूरी है, वो भी अलग से। अगर किसी एंटिटी को उसकी फर्स्ट या ओपनिंग IFRS स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में किसी भी तरह के लॉसेस हो रहे हों, तो उन्हें भी डिस्क्लोज़ किया जाना ज़रूरी है। अगर कोई एंटिटी उसकी ओपनिंग IFRS स्टेटमेंट में किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए उसकी डीम्ड कॉस्ट की जगह फाइनेंशियल वैल्यू यूज़ कर रही है, तो उसे भी फर्स्ट IFRS फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज़ किया जाना चाहिए। और फाइनेंशियल पोजीशन की ओपनिंग IFRS स्टेटमेंट ऐसी हर लाइन आइटम को इंक्लूड किया जाएगा और उन फेयर वैल्यूज़ का एग्रीगेट यानी कि टोटल कर दिया जाएगा। वी पॉइंट एग्रीगेटेड एडजस्टमेंट्स को प्रीवियस गैप के अंडर रिपोर्ट किया जाएगा। अगर कोई एंटिटी उसकी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या उसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी इन्वेस्टमेंट के लिए उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की ओपनिंग IFRS स्टेटमेंट में उसकी डीम्ड कॉस्ट को यूज़ कर रही है, तो बाद में उसे उसकी फर्स्ट IFRS सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज़ किया जाएगा, जिसमें इंक्लूड होगा ए पॉइंट उन सभी इन्वेस्टमेंट की डीम्ड कॉस्ट का टोटल या एग्रीगेट इंक्लूड किया जाएगा जिनकी वैल्यू प्रीवियस गैप के अकॉर्डिंग ली गई थी। बी पॉइंट उन सभी इन्वेस्टमेंट का एग्रीगेट डीम्ड कॉस्ट ली जाएगी जिनकी डीम्ड कॉस्ट फेयर वैल्यू थी और प्रीवियस गैप के अंडर रिपोर्ट की गई सभी अमाउंट्स की एग्रीगेट एडजस्टमेंट की जाएगी। IFRS 1 हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट अब जो मैं आपको IFRS करवाऊंगी वो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगी। नाउ हमारा सेकंड IFRS 2 है, शेयर बेस्ड पेमेंट। ओवरव्यू, इस IFRS यानी कि IFRS 2 का ऑब्जेक्टिव है ऐसी एंटिटीज़ में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को स्पेसिफाई करना जहाँ पे ट्रांजैक्शंस शेयर बेस्ड पेमेंट के अकॉर्डिंग हो रही हों। शेयर बेस्ड पेमेंट एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कोई एंटिटी उसके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ऐसा कंसीडरेशन गुड्स और सर्विसेज रिसीव करती है। शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए जो भी अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उस ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करती हैं कि उस ट्रांजैक्शन को किस तरह सेटल किया गया है, उसे इक्विटी इशू करके या कैश के ज़रिए या इक्विटी और कैश दोनों के हेल्प से सेटल किया गया है, इस पे डिपेंड करती है कि अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होंगी। नॉर्मली किसी एंटिटी के लिए उसकी शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शंस के इफ़ेक्ट को उसके प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन में रिफ्लेक्ट यानी कि शो करना ज़रूरी होता है। इसमें ऐसी ट्रांजैक्शंस में होने वाले एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होने चाहिए जो एक्सपेंसेस एम्प्लॉयज़ को शेयर ऑप्शंस देने की वजह से होते हैं। वो ट्रांजैक्शंस जिन पे दूसरे स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं उनको छोड़कर IFRS के पास कोई भी एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है। IFRS उसके 3 टाइप्स के शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए कई तरह के मेजरमेंट प्रिंसिपल्स और रिक्वायरमेंट्स सेट करता है। फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस। इसमें क्या होता है, जब कोई एंटिटी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती है तो वो उसके लिए ऐसा कंसीडरेशन गुड्स और सर्विसेज रिसीव करती है। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, IFRS को ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो उसे रिसीव हो रही हैं ऐसा कंसीडरेशन उसको मेज़र करने के लिए एक एंटिटी की ज़रूरत होती है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस। इसमें क्या होता है कि कोई एंटिटी किसी पर्सन से गुड्स और सर्विसेज एक्वायर करती है यानी कि परचेज करती है और एंटिटी की
उन गुड्स के सप्लायर के लिए एक लायबिलिटी बन जाती है, और वो जो लायबिलिटी होती है ना वो उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग फिक्स की जाती है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल्स कौन से फॉलो किए जाएंगे, पे रिक्वायरमेंट्स कौन सी होगी, कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए एक्वायर की गई गुड्स और सर्विसेज को मेजर करने के लिए, और इनकर होने वाली लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए एक एंटिटी की ज़रूरत होती है, यानी कि एक डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है जो उनको रिकॉर्ड करे। और जब तक वो कंपनी उस लायबिलिटी को सेटल नहीं कर देती तो एंटिटी को, तो उस सेट की गई एंटिटी को उस सेटलमेंट की फेयर वैल्यू को रीमेजर करना पड़ता है। अब हमारी थर्ड टाइप की ट्रांजैक्शन है, इसे हम इक्विटी और कैश भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एंटिटी गुड्स और सर्विसेज को रिसीव कर रही है वो उस गुड्स और सर्विसेज के सप्लायर के साथ इस तरह की अरेंजमेंट करती है कि वो उसको ये चॉइस दे देती है कि उसको वो एंटिटी उस ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए कैश में भी पेमेंट कर सकती है और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके भी सेटलमेंट कर सकती है। कौन? वो एंटिटी। ये ऑप्शन वो सप्लायर को प्रोवाइड करती है जिससे वो गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर रही होती है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पे एंटिटी को ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए एक कैश सेटल्ड या शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन का एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। इनमें से जो भी ट्रांजैक्शन हुई हो उसको उसके लिए अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। अगर कैश के ज़रिए वो सेटलमेंट कर रही है तो कैश अकाउंट मेंटेन करेगी, अगर वो शेयर्स इशू करके पेमेंट कर रही है या सेटलमेंट कर रही है तो उसे शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन का अकाउंट मेंटेन करना होगा। डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स। शेयर बेस्ड पेमेंट एग्रीमेंट्स के लिए उस एग्रीमेंट का नेचर और एक्सटेंट डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, यानी कि कितनी अमाउंट तक की ट्रांजैक्शन की गई है या किस तरह के शेयर्स को इशू करके ऐसे ट्रांजैक्शन की गई है उसे डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज़ IFRS 7, जिसका नेम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर्स। IFRS 7 स्टैंडर्ड ये प्रिस्क्राइब करता है कि सभी एंटिटीज़ के लिए उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्क्लोज़र किया जाना ज़रूरी है। इस IFRS का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रोवाइड किए गए डिस्क्लोज़र से यूज़र्स को फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करने में हेल्प हो सके। ए पॉइंट, किसी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस में उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की इम्पॉर्टेंस, उस एंटिटी के द्वारा इशू किए जाने वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कितना रिस्क इन्वॉल्व है और वो एंटिटी ऐसे रिस्क को कैसे मैनेज करती है, यह भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। इस तरह हमने जान लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो तरह की इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोज होना ज़रूरी है, एक तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की इम्पॉर्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन और दूसरी उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वॉल्व रिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन। पहले हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फर्स्ट पॉइंट, बिलो दी गई कैटेगरी की अमाउंट्स को बैलेंस शीट में शो किया जाना चाहिए। ए पॉइंट, फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की फेस वैल्यू। बी पॉइंट, हेल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू। सी पॉइंट, लोन्स और रिसीवेबल्स। डी, सेल के लिए अवेलेबल फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू। सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड स्पेशल डिस्क्लोजर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है और मेज़र करने के मेथड्स। थर्ड पॉइंट, ऐसा कोलेटरल यानी कि सिक्योरिटी के तौर पे प्लेज किए गए फाइनेंशियल एसेट्स और ऐसा कोलेटरल रखे गए फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, लोन एग्रीमेंट्स की ब्रीच की गई
यानी कि तोड़ी गई टर्म्स का डिस्क्लोजर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, टोटल इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। थर्ड पॉइंट, फी इनकम एंड एक्सपेंसेस। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इम्पेयर्ड फाइनेंशियल एसेट। फिफ्थ पॉइंट, हर फाइनेंशियल एसेट्स पे होने वाले इम्पेयरमेंट लॉस की अमाउंट। इम्पेयर्ड एसेट वो होता है जिसकी वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो, क्योंकि विद द टाइम एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, बट उसे कई बार बैलेंस शीट में चेंज नहीं किया जाता, इसलिए उसे इम्पेयर्ड एसेट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अदर डिस्क्लोजर्स। फर्स्ट पॉइंट, यूज़ की गई अकाउंटिंग पॉलिसी। सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल एसेट और हर लायबिलिटी की फेयर वैल्यू। थर्ड पॉइंट, फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया गया मेथड डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, और अगर फेयर वैल्यू ही ना डिटरमाइन की जा सकी हो तो उसका रीज़न भी डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। सेकंड टाइप ऑफ डिस्क्लोजर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वॉल्व रिस्क से रिलेटेड है। इन्हें क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स भी कहा जाता है, या किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वॉल्व रिस्क डिस्क्राइब करते हैं और उन रिस्क को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज और प्रोसेसेस डिस्क्राइब करते हैं। स्पेसिफिक क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क वो रिस्क होता है जो किसी पार्टी को उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे लॉस हो सकता हो जब दूसरी पार्टी उसकी ऑब्लिगेशन को पे करने में फेल हो जाए। इस रिस्क में इन्वॉल्व है ए पॉइंट, कोलेटरल के बिना मैक्सिमम क्रेडिट प्रोवाइड करने का रिस्क। बी, ऐसा सिक्योरिटी रखा गया कोलेटरल। सी पॉइंट, इसमें ऑब्टेन किए गए कोलेटरल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, लिक्विडिटी रिस्क। जब कोई एंटिटी उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ के साथ रिलेटेड ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में डिफ़िकल्टी फेस करेगी, वो रिस्क। थर्ड पॉइंट, मार्केट रिस्क। वो रिस्क जो किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू में मार्केट प्राइसेस के चेंजेस की वजह से होने वाले चेंज की वजह से हो। उसमें थ्री टाइप के रिस्क, करेंसी रिस्क, रेट रिस्क और बाकी प्राइस रिस्क इन्वॉल्व हैं। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज की जानी चाहिए। हमारा नेक्स्ट IFRS है IFRS 8, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। कोई एंटिटी जिन बिजनेस एक्टिविटीज़ में एंगेज होती है और जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट कर रही है, उसके नेचर और फाइनेंशियल इफ़ेक्ट्स को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करेगी, ताकि उन स्टेटमेंट्स के यूज़र्स उस इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट कर सकें। ऐसी इंफॉर्मेशन इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स पे बेस्ड हो सकती है। IFRS 8 किसी एंटिटी की एनुअल और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्लाई होता है। IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को इस तरह डिफाइन करता है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट किसी एंटिटी का ऐसा सेगमेंट है जो उन बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है जिनसे उस एंटिटी को रिवेन्यू अर्न हो या जिससे एक्सपेंसेस इनकर हो सकें। बी पॉइंट, जिस एंटिटी के ऑपरेटिंग रिजल्ट्स रेगुलरली उस एंटिटी के चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर के द्वारा रिव्यू किए जाते हैं और लिए गए डिसीजंस को सेगमेंट में अलॉट करने के बाद परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है। और सी पॉइंट, जिसके लिए सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं। टू या मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को एग्रीगेट यानी कि कंबाइन किया जा सकता है अगर उनमें फॉलोइंग एस्पेक्ट्स में सिमिलैरिटीज पाई जाती हों, या तो प्रोडक्ट और सर्विसेज का नेचर, या प्रोडक्शन प्रोसेसेस का नेचर, या उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए टाइप ऑफ कस्टमर्स सेम हों, या उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ किए गए मेथड्स अगर सेम हों, तो उन्हें एक ही ग्रुप में
एक ही ऑपरेटिंग सेगमेंट में डाला जा सकता है या एग्रीगेट किया जा सकता है। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, हर ऑपरेटिंग सेगमेंट या एग्रीगेट ऑपरेटिंग सेगमेंट जो क्वालिटेटिव लिमिट से एक्सीड कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। CODM यानी कि चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। CODM उन इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है जो किसी एंटिटी के लिए स्ट्रेटजिक डिसीजन बनाते हैं। CODM रिसोर्सेस अलोकेट करता है और ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस एक्सेस करता है, यानी कि चेक करता है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, जर्नल रिक्वायरमेंट्स, ए पॉइंट सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से फैक्टर्स यूज़ किए गए हैं, बी कोई सेगमेंट किस तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज से रेवेन्यू अर्न कर रहा है। सेगमेंट का यहाँ पे इजीली मतलब ये है कि एक तरह के ग्रुप बना दिया गया उनका, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टेबल सेगमेंट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज और मेजरमेंट के मेथड्स आते हैं। ए पॉइंट, हर रिपोर्टेबल सेगमेंट के प्रॉफिट और लॉस जिसमें कुछ स्पेसिफाइड रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस आते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना। बी पॉइंट, हर रिपोर्टेबल सेगमेंट के टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स के मेजर को डिस्क्लोज करना। सी पॉइंट, सेगमेंट प्रॉफिट या लॉस, सेगमेंट एसेट्स या सेगमेंट लाइबिलिटीज को मेजर करने के लिए यूज़ की गई टेक्निक की एक्सप्लेनेशन देना कि ट्रांजैक्शंस को सेगमेंट में किस तरह मेजर किया गया है। थर्ड पॉइंट, जजमेंट मेड बाय मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। ए पॉइंट, एग्रीगेट यानी कि कंबाइन किए गए ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का डिस्क्रिप्शन देना, उसमें यह डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। बी पॉइंट, सेगमेंट्स में यह डिटरमाइन करने के लिए कि उनमें सिमिलर फीचर्स हैं, कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कंसीडर किया गया है, ये सभी किस में डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, जजमेंट में, जो कि किसने दी है, मैनेजमेंट ने। फोर्थ पॉइंट, रिकंसाइलेशन। सेगमेंट रेवेन्यू का टोटल, सेगमेंट PNL, सेगमेंट एसेट्स और सेगमेंट लाइबिलिटीज और दूसरी सेगमेंट आइटम्स के टोटल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना। फोर्थ पॉइंट, एंट्री वाइड डिस्क्लोजर। कुछ एंट्री वाइड डिस्क्लोजर्स वो होते हैं जो तब भी रिक्वायर्ड होते हैं अगर एंटिटी के पास सिर्फ एक ही रिपोर्टेबल सेगमेंट हो। इसमें हर प्रोडक्ट और सर्विस की, ये ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। एक एंटिटी फॉलोइंग ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करती है, अगर अवेलेबल हो तो तभी करेगी, अगर नहीं है तो नहीं करेगी। फर्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल कस्टमर से रेवेन्यू, चाहे वो एंटिटी की अपनी कंट्री से हो या फॉरेन कंट्री से रेवेन्यू हो रही हो। सेकेंड पॉइंट, एंटिटी की अपनी कंट्री में लोकेटेड या फॉरेन कंट्री में लोकेटेड नॉन करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की गई अमाउंट्स जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हों। फोर्थ पॉइंट, एंटिटी उसके मेजर कस्टमर्स की उस पे रिलायंस यानी कि डिपेंडेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी। अगर एंटिटी की टोटल रेवेन्यू के 10% या उससे ज़्यादा अमाउंट किसी एक सिंगल कस्टमर से हो रही हो तो एंटिटी को वो फैक्ट भी डिस्क्लोज करना होगा। इंटरनली रिपोर्टेड अमाउंट पे बेस्ड ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है, बट अगर वो IFRS अमाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गिवन हो तो उनसे रिलेटेड ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट IFRS है IFRS 9, जिसका नेम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। IFRS 9 1 जनवरी 2018 से या उसके बाद से शुरू होने वाले एनुअल पीरियड्स के लिए इफ़ेक्टिव है। IFRS 9 यह बताता है कि नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को बाय और सेल करने से कॉन्ट्रैक्ट्स,
फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को किस तरह क्लासिफाई और मेज़र किया जाए। IFRS 9 में 3 टाइप्स के रिलेशनशिप बताए गए हैं और हर रिलेशनशिप के लिए कुछ अकाउंटिंग प्रोविजंस प्रेस्क्राइब की गई हैं। फर्स्ट वन है फेयर वैल्यू हेज। इसमें प्रॉफिट या लॉस को अफेक्ट करने वाले रेकोगनाइज्ड एसेट्स या लाइबिलिटीज़ का किसी अनरेकोगनाइज्ड फर्म कमिटमेंट या किसी ऐसी आइटम के कंपोनेंट की फेयर वैल्यू में चेंज किया जा सकता है, उसका डिस्क्लोज किया जाता है। सेकंड पॉइंट कैश फ्लोज हेज। इसमें फ्यूचर प्रॉफिट या लॉस को अफेक्ट करने वाले कैश फ्लोज के चेंज का डिस्क्लोजर किया जाता है, जो किसी रेकोगनाइज्ड एसेट या लाइबिलिटी के एक या सभी कंपोनेंट्स के साथ रिलेटेड हो। थर्ड पॉइंट हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट फॉरेन ऑपरेशन में डील करती है। डिस्क्लोजर्स IFRS 9 में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में की गई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ पे डिस्क्लोजर और क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड इम्पेयरमेंट के बारे में डिस्क्लोजर किए जाते हैं। इम्पेयरमेंट मैंने आपको बताया था ना, एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो बुक वैल्यू से कम शो की जाती है बैलेंस शीट में, तो उसे एसेट्स की इम्पेयरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। IFRS 13 फेयर वैल्यू को इस तरह डिफाइन करता है कि एक ऐसा प्राइस है जो कोई पर्सन किसी एसेट को सेल करने के लिए एक फिक्स्ड डेट पे रिसीव करता है या किसी लाइबिलिटी के ट्रांसफ़र पे पेड करता है। नॉर्मली ये एक एग्जिट प्राइस होता है, फेयर वैल्यू कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती। ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अजम्पशंस पे बेस्ड होती है। फेयर वैल्यू को अज्यूम करते समय कोई एंटिटी उन अजम्पशंस को यूज़ करती है जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स सर्टेन मार्केट कंडीशंस में किसी लाइबिलिटी या एसेट की प्राइसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें रिस्क रिलेटेड अजम्पशंस भी इंक्लूड होती हैं, इसलिए एंटिटी फेयर वैल्यू मेज़र करते टाइम किसी एसेट को होल्ड नहीं कर सकती या लाइबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाती। ऑब्जेक्टिव्स IFRS 13 फेयर वैल्यू डिफाइन करती है। सेकंड पॉइंट यह फेयर वैल्यू मेज़र करने के लिए सिंगल IFRS फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। थर्ड पॉइंट ये फेयर वैल्यू मेज़रमेंट से रिलेटेड ज़रूरी डिस्क्लोजर्स करती है। फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स में कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए यह स्टैंडर्ड एक फेयर वैल्यू हायरार्की एस्टैब्लिश करता है, जो कि इनपुट्स को वैल्यूएशन टेक्निक्स में 3 लेवल्स पे कैटेगराइज करता है। फर्स्ट लेवल पे आइडेंटिकल यानी कि सेम फीचर्स वाले एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए एक्टिव मार्केट्स में प्राइस क्योट किया जाता है या फिक्स किया जाता है। सेकंड लेवल पे लेवल 2 इनपुट्स में लेवल 1 की क्योटेड मार्केट प्राइसेस की इनपुट्स के अलावा जो भी दूसरी इनपुट्स आती हैं जिन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है, इसमें एक जैसे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के एक्टिव मार्केट्स के साथ नॉन एक्टिव मार्केट्स में क्योटेड प्राइस भी इंक्लूड होते हैं। ये लाइन आप बुक से कर लेना कि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है एक जैसे, उनके एक्टिव मार्केट प्राइसेस के साथ नॉन एक्टिव मार्केट के प्राइसेस भी इंक्लूड होते हैं। थर्ड लेवल लेवल 3 इनपुट्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए अनऑब्जर्व्ड इनपुट्स आती हैं। कोई एंटिटी अनऑब्जर्व्ड इनपुट्स डेवलप करने के लिए उन सर्कमस्टांसिस में अवेलेबल बेस्ट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगी जिसमें एंटिटी का अपना डाटा इंक्लूड हो सकता है, या वो मार्केट पार्टिसिपेंट अजम्पशंस के बारे में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को भी यूज़ कर सकती है। इसकी डेफिनेशन आप बुक से कर लेना, फेयर वैल्यू मेजरमेंट की डेफिनेशन। ओके, नाउ डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स ऑब्जेक्टिव IFRS 13 में किसी एंटिटी के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना ज़रूरी है जो कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स को फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने में हेल्प करे।
फर्स्ट पॉइंट उन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए जिनको फेयर वैल्यू में मेज़र किया जाता है, और इन मेज़रमेंट्स के लिए डेवलप की गई टेक्निक्स और इनपुट्स को डिस्क्लोज करना। सेकंड पॉइंट, फेयर वैल्यू मेज़रमेंट के लिए यूज़ की गई अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स के प्रॉफिट एंड लॉस पे इफ़ेक्ट को डिस्क्लोज करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लेवल्स ऑफ फेयर वैल्यू हायरार्की। फेयर वैल्यू हायरार्की में इनपुट्स को मेज़र करने के लिए 3 लेवल्स पे प्रायोरिटी दी जाती है, जो कि लेवल 1 में एक्टिव मार्केट्स में क्यूटेड प्राइसेस से लेवल 3 तक के अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स तक जाती है। लेवल 1 इनपुट्स, यह इनपुट्स ऑब्जर्वेबल होते हैं जिनमें एक्टिव मार्केट्स के आइडेंटिकल एसेट्स यानी कि एक जैसे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का प्राइस क्यूट किया जाता है, फिक्स किया जाता है। एग्जांपल में यूएस गवर्नमेंट और एजेंसी सिक्योरिटीज, लिस्टेड इक्विटीज और मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ आती हैं। आपको ये एग्जांपल्स याद करनी होगी, इनको डिटेल में पढ़ने के लिए आप इनको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। सेकंड लेवल इनपुट्स हैं, इसमें एक्टिव मार्केट्स में सिमिलर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के प्राइस क्यूट करने के साथ साथ इन एक्टिव मार्केट्स यानी कि जो मार्केट्स एक्टिव नहीं हैं वहाँ पे भी सिमिलर एसेट्स के प्राइसेस को क्यूट किया जाता है, और इसमें इंटरेस्ट रेट्स और यील्ड यानी कि इनकम कर्व्स भी इंक्लूड है। फर्स्ट लेवल में क्या था, एक्टिव मार्केट्स में प्राइस क्यूट किए जाते थे, और सेकंड लेवल में इनएक्टिव मार्केट्स में प्राइस क्यूट किए जाते हैं, और उसके साथ ही इसमें इंटरेस्ट रेट और यील्ड इनकम्स भी और रिस्क भी इंक्लूड है। एग्जांपल्स में कॉरपोरेट बॉन्ड्स, बैंक लोन्स, लोन कमिटमेंट्स, लेस लिक्विड लिस्टेड इक्विटीज और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स एक्सेट्रा इंक्लूड हैं। थर्ड लेवल, ये अनऑब्जर्वेबल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होनी चाहिए। कंपनी को बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन को ही यूटिलाइज करना चाहिए, बट ऐसा करने के लिए उसे कोई एक्सपेंस करने या कॉस्ट इनकर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसे वो इन्फॉर्मेशन इग्नोर नहीं करनी चाहिए जिसे बिना किसी कॉस्ट और एफर्ट के ऑब्टेन किया जा सके। थर्ड लेवल में क्या है, इसमें कंपनी के पास जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होगी उसे उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेना चाहिए। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर देना, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।